सर्वप्रथम भगवान श्री सोमनाथ जी का चरित्र आता है। आइए, मैंने अध्याय आपको बता दिए हैं, आप लोग सावधानी पूर्वक बैठ जाइए और सुनिए। एक बार की बात है, प्रजापति यों के राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह देवों में देव चंद्रमा से करा, जिनका प्रकाश सभी देवों में विशेष है। लेकिन विवाह के पश्चात चंद्रमा सिर्फ रोहिणी नाम की अपनी पत्नी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करने लगे। बाकी रानियों को कोई भी समय नहीं दे रहे थे, उनकी अवहेलना कर रहे थे। आप लोग जानते हैं, चंद्रमा ने जिन 27 से विवाह किया, वही तो 27 नक्षत्र हैं। आर्धा, रेवती, शतृषा, विशाखा, पुष्य, आश्लेषा, श्रवण, मूला, ये सभी तो नक्षत्र हैं हमारे, जो कि सभी प्राणियों के जिस प्राणी का जिसमें जन्म होता है उसमें उसका जीवन और उसके स्वभाव भाग्य का विधान करते हैं ये नक्षत्र। तो ये हम सब के काम की चीज, सावधान हो जाइए। अब जब 27 नक्षत्र यानी कि 27 कन्याओं में केवल रोहिणी से प्रेम कर रहे थे, ऐसे रोहिणी से प्रेम करने वाले चंद्रमा की शिकायत बची हुई 26 कन्याओं ने अपने प्रजापति दक्ष जो कि पिता हैं उनसे कर दी। तब उनके पिता दक्ष ने एक बार प्रेम पूर्वक चंद्रमा के जाकर के कहा कि हे देव, मैंने सुना है यदि ये बात सत्य है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक कन्या से मेरे प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ रमण करते हैं, लेकिन अन्य किसी भी कन्या के साथ आप प्रेम नहीं करते, ये उचित नहीं है। अन्य सभी को अत्यंत बड़ा ही छोड़ा जाना, त्याग दिया जाना ऐसा अनुभव हो रहा है। भेदभाव करना, किसी को ज्यादा किसी को कम करना, शास्त्रों के अनुसार ये पाप का विषय है। आप पाप में न गिरिए, आप पतन में न गिरिए, आप मेरी सभी कन्याओं को प्रेम प्रदान करिए। ऐसा कह के वे तो समझा के चले गए। लेकिन उसके बाद भी चंद्रमा ने बात नहीं मानी। फिर से जाके सभी 26 नक्षत्रों ने, सभी 26 कन्याओं ने शिकायत करी। अब की बार दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष ने पुनः आकर के समझाया, कहा कि हे चंद्रमा, मैंने पहले भी आपको समझाया, मेरे दामाद हो इसलिए मैं शांति पूर्वक बता रहा था। समझने की कोशिश करो, तुम्हारा कर्तव्य है सबको प्रेम दो, सबको समय दो, जो तुम कर सकते हो वो तो कर सकते हो ना, समय तो दे ही सकते हो ना, तुम करो। फिर भी चंद्रमा ने अवहेलना करी, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। तब दक्ष ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, जाओ श्राप देता हूँ तुम्हें 6 रोग। और जैसे ही श्राप दिया, चंद्रमा का प्रकाश 6 हो गया। चंद्रमा की तेजी होते ही सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। सभी ऋषि मुनि जो कि चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश का दर्शन करके उनको प्रकाश ही नहीं मिला, क्योंकि चंद्रमा को कौन सा रोग हो गया, 6 रोग हो गया, उनकी प्रकाश का क्षीण हो गया। तब सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं ने आखिर जाकर के बहुत प्रकार का विचार किया कि हम क्या करें, हम क्या करें। ब्रह्मा जी से विचार किया, तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको रास्ता बताया कि यदि चंद्र सहित सभी देव प्रवास पर्वत क्षेत्र पर जा करके उस शुभ क्षेत्र में पहुंच करके और यदि वहां पर शिवलिंग का निर्माण करके और मेरा मेरे भोले बाबा का, मेरे आशुतोष भूतनाथ भंडारी का अगर यजन करेंगे, तपस्या करेंगे, तो उन्हीं के प्रागट्य से आशीर्वाद वरदान से चंद्रमा का प्रकाश वापस लाया जा सकता है। तब सज्जनों, चंद्रमा ने स्वयं प्रवास क्षेत्र में गमन किया और वहां पर 6 महीनों तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया। जैसा कि बताया गया था, शिव नाम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना होगा, तो 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र 6 महीनों तक निरंतर वारे करके जब चंद्र ने अनुष्ठान किया, हमारे आशुतोष करना बनाने बड़े बाबा उसके सम्मुख प्रकट हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान जय हो। और भोलेनाथ ने प्रकट होकर के उसको वरदान मांगने को कहा। आज चंद्रमा ने सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में वंदन करके उनसे अपने मन का भाव कहा, हे भोलेनाथ,
मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ, मैंने जो पूर्व में अपराध किया है आप उसको क्षमा कर दीजिए, और मेरा जो तेज छीन हो गया है, क्षय हो गया है, मुझे क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए, मेरा तेज वापस मिल जाए। तब भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया, ठीक है चंद्रमा, आज से मेरे दिए गए वरदान के कारण दो पक्षों में तुम्हारा तेज होगा, एक पक्ष में तुम्हारा तेज घटता जाएगा और दूसरे पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा, तभी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा को हम घटता और बढ़ता हुआ देखते हैं। तभी सभी देवों ने जो कि वहाँ पीछे खड़े, उन्होंने भोलेनाथ का वंदन करके भाव अपना रखा, हे भोलेनाथ हमारी एक और कामना पूरी कर दीजिए, कहा कहिए देवताओं का, हे भोलेनाथ आप कृपा करके अपने इसी करुणामय स्वरूप से यहीं पर विराजमान हो जाइए, जिससे संसार के लोग आपके दर्शन करके कृपा पा सकें। तब भोलेनाथ ने सभी देवताओं की कामना को पूर्ण करने के लिए उसी स्थान में सोमेश्वर रूप से अपना एक ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया। चंद्रमा ने जो पूजा की थी उस दिव्य लिंग में भी समा गए, और महाराज वहीं पर विशेष ज्योतिर्लिंग सबसे पहले जिसका नाम आता है, जो कि कहाँ आता है महाराज, गुजरात के सौराष्ट्र के उस प्रांत में आता है जहाँ पर हम सभी लोग कभी जाकर के भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र में। तो बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो, सोमनाथेश्वर सोमनाथेश्वर, हर हर बोले नमः शिवाय, यदि कोई भी श्रद्धा से उसका पूजन करे, दर्शन करे, तो भोलेनाथ जिसे क्षय रोग हो जाता है शरीर में, उससे उसको मुक्ति दिला दिला और पापों से मुक्ति तो मिलती ही। तो आप लोग सोमनाथ अभी अवश्य दर्शन करें।